हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो मैं आ गया हूँ एक और अनबॉक्सिंग रिव्यू लेकर, वो भी एक स्मार्ट वॉच का। तो अब मैं करूँगा अपने इस वीडियो में फायरबोल्ट की इस न्यू मॉडल मरकरी का रिव्यू। हाल ही फिलहाल की लेटेस्ट मॉडल लॉन्च है, इसका हम करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू। एक एक बारीकी हम जांचेंगे इसकी, सारे के फीचर्स इसमें क्या क्या हैं, कितना इसका बैटरी बैकअप है, क्या क्या ये वॉच कर सकती है, कितनी आपके लिए यूजफुल है, आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म डिसाइड कर लेंगे कि ये स्मार्ट वॉच आपके लिए है या नहीं। अगर आप एक स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्या पता आपको कुछ काम का इसमें मिल जाए। वीडियो में मैंने परचेज की, मुझे मिला है बॉक्स। बॉक्स के अंदर हम बॉक्स के अगर खोल के देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या सामान है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं बता दूँ, एक बार मैं इसे ओपन कर चुका हूँ जस्ट एज ए टेस्टिंग, कहीं ये प्रोडक्ट कोई डैमेज तो नहीं है कुछ भी। तो इसके अंदर मुझे, मैंने ये बॉक्स को हटा दिया और मुझे यहाँ पर मिलता है ये मेरा प्रोडक्ट स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट मरकरी। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जस्ट, और मुझे इस पर यहाँ की इसके जो चार्जर है वो मिल गया यहाँ पर। इसका जो चार्जर है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, आप देख लो। और मैं कैसे ये यूज़ होगा, कैसे कनेक्ट होगा, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा इस वीडियो में, कैसे आप इसे चार्ज करेंगे स्मार्ट वॉच को। तो ये है इसका चार्जर फायरबोल्ट का, एक साइड इसका यूएसबी है, दूसरा साइड इसका मैग्नेट चार्जर है ये। पहले हम इसे साइड में रखते हैं अभी इन चीज़ों को, इसके जो साथ जो मुझे मिले हैं पहले इन्हें देख लेते हैं। वॉच को भी मैं साइड में रखता हूँ अभी। तो ये है स्मार्ट वॉच को यूज़ करने के लिए नोटबुक जो इसके साथ आती है हर प्रोडक्ट के साथ कंपनी की तरफ से। तो कैसे आप इसे यूज़ करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें भी ऑलरेडी सब कुछ होता ही है। इसकी फंक्शन डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं, स्टेप, स्लीप, हार्ट रेट, ट्रेनिंग, टेम्परेचर, SPO2, वेदर, मैसेज, शटर, प्लेयर, ब्रिज, स्टॉपवॉच, अलार्म, टाइमर, फ्लैश लाइट, अदर, मतलब बहुत सारे फीचर्स इस वॉच के अंदर हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो इस नोटबुक को रखते हैं अभी साइड में, इसका कोई काम नहीं है। और ये मुझे इसके साथ कुछ G5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिला है, एक QR कोड के स्कैन करूँगा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ मुझे मिला है यहाँ पर फ्री 3 मंथ म्यूजिक गाना ऐप से, इसके भी मैं सब्सक्रिप्शन अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ। बार कोड स्कैन कीजिए और यहाँ से आप उसे लॉगिन करके आपको 3 महीने का म्यूजिक फ्री मिलेगा विदाउट एनी एड। और देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। फायरबोल्ट का ये इसके वारंटी कार्ड जो भी है वो है। तो ये फायरबोल्ट की तरफ से ये एक कार्ड है, इसमें आप वॉच रिलेटेड मूवी, मतलब कि ऑल इन वन इन प्लेस, ये एक तरह का मेंबरशिप कार्ड है इनका फायरबोल्ट का। आप को ऐप को डाउनलोड करिए, स्कैन करिए और यहाँ से जो भी आपका रिडीम हो जाएगा, आपका कूपन जो भी कुछ है। तो अभी इनका तो अभी इन सबका भी कुछ काम नहीं है, जो इनका मेन पर्पज़ था वो मैंने आपको बता दिया। इनको रखता हूँ मैं साइड में और आता हूँ अपने प्रोडक्ट पर। यह है इसकी वॉच की, हमारे डेटा केबल जिससे ये चार्जर है, जिससे चार्ज होगी मेरी स्मार्ट वॉच। ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब कि 1 फिट की है बस, ये ज़्यादा बड़ी नहीं, जो लेंथ है वो 1 फिट है। तो देखिए ये मैग्नेट है, अगर मैं इसे यहाँ से भी टच करता हूँ तो इसे कैच कर लेती हूँ और ये यहाँ पर देखो गिरेगा नहीं, ये मैग्नेट है इसमें लगा हुआ तो ये यहाँ पर गिरेगा नहीं। तो इसे साइड में रखता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने स्मार्ट वॉच जो मेरा मेन प्रोडक्ट है इसके ऊपर, कि मुझे इसके बारे में बताना है तो इसकी बात करेंगे हम। तो इससे मैं यहाँ से इसके स्टेप है, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ बस मुझे एक चीज़ जो लगी नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट, कि हर स्मार्ट वॉच के साथ 2-3 स्टेप बैंड आते हैं, इसमें मुझे एक ही स्टेप बैंड मिला है। रिस्ट बैंड जो भी है मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मुझे एक ही मिला है, चलो कोई नहीं। तो ये है वॉच, आप देख लीजिए बहुत ही प्यारा लुक है इसका, स्लिम है काफ़ी। और जो इसकी जो मोटाई आप देखना चाहें तो काफ़ी पतली है, इतनी मोटी नहीं बोल सकते जो बाकी जो और स्मार्ट वॉच होती है उनसे, काफ़ी पतली है ये और ये इजीली कनेक्ट हो जाती है। अगर आप इसके स्ट्रैप हटाना चाहें तो यहाँ से आप इसे जस्ट थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये यहाँ से हट जाएगा। मैं इसे लगा देता हूँ, मुझे ऐसा कोई नीड नहीं है। तो अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पर, पहले हम देख लेते हैं चार्ज कैसे होगी। ये USB कनेक्टर मैं अपने पावर बैंक में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा पावर बैंक और मैंने इसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसे रखता हूँ अभी साइड में और अब मैं अपने स्मार्ट वॉच पर जाऊँगा। बैक साइड पर जाना है, आप यहाँ पर 2 पॉइंट देख रहे होगे। 2 पॉइंट देखने के बाद इसके जो ये है आपको इसे यहाँ पर रखना है। तो ये 1 सेकेंड,
यहाँ पर रखना, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कैच कर लेगा। और अब देखिए ये गिर भी नहीं रहा है, और ये गिर भी नहीं रहा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मेरी जो स्मार्ट वॉच है ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है, डबल क्लिक। और आप देख सकते हैं मेरी जो स्मार्ट वॉच है अब ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप देखिए मेरी वॉच चार्जिंग ले रही है। तो अभी इसमें टाइम डेट कुछ भी सेट नहीं है, क्योंकि ये नई वॉच आपको पता ही है। और इसको भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा चार्ज कर लेते हैं रिव्यू करने के लिए, तो साइड में रखते हैं। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। देखिए जो डिब्बे पर जो फीचर्स हैं मेन वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो इस वॉच का जो स्क्रीन का जो साइज है डिस्प्ले का, 1.7 इंच फुल HD इसका डिस्प्ले साइज है। मल्टी स्पोर्ट्स मोड आपको इस वॉच के अंदर मिल जाएंगे। बेसिकली आपको आप जो जितनी भी स्मार्ट वॉच आ रही हैं सबके अंदर आपको मल्टी स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं देखने के लिए। मेटल बॉडी है इसकी, रिमोट कैमरा है। फीचर्स इसके अंदर बेस्ट फीचर्स जो इसका है, और सबसे मेन बात आती है बैटरी लाइफ की, क्योंकि ये दे सकती है आपको 7 से 8 दिन तक का बैटरी लाइफ। अगर आप इसे एक बार चार्ज कर लेते हैं तो इसे 7-8 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी टेम्परेचर ये आपको बताएगी, मॉनिटरिंग करेगी, ट्रैक SPO ऑक्सीजन लेवल 2 ये भी चेक करेगी, डायनेमिक हार्ट रेट आपका ये बताएगी। और इसके अंदर स्मार्ट नोटिफिकेशन है, मल्टीपल वॉच फेसेस हैं, स्लिप मॉनिटरिंग है। स्मार्ट नोटिफिकेशन के अंदर आपको आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आपके फेसबुक मैसेजेस, आपके इंस्टाग्राम मैसेजेस, मतलब कोई भी आपके जो फ़ोन पर कैसी भी नोटिफिकेशन आती है तो आप उसे अपने स्मार्ट वॉच से भी रिप्लाई कमांड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो ये जो इसके मेन जो डिब्बे पर थे मेन फीचर्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे वॉच के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वॉच पर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए इसके फीचर्स पर। तो मैं करता हूँ ऑन यहाँ से, और आप देख सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन पैनल है जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन सब में होता है। आप ऊपर से ट्रैक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। इसके अंदर फ्लैश लाइट भी है, यहाँ पर टैप करेंगे, इसकी जो फ्लैश लाइट है वो इसकी कुछ डिस्प्ले है। ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, कहीं बाद में मुझे कुछ बोलो। ये इसकी फ्लैश लाइट, इसकी खुद ही मतलब स्क्रीन वाइट हो जाएगी फ्लैश लाइट ऑन करने पर। ऑफ कर दिया, बैक आते हैं दोबारा। तो और जो इसके सारे फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये क्या है, टर्न ऑफ, ये है आपका टर्न ऑफ वाइब्रेशन एंड टर्न डाउन नोटिफिकेशन ब्राइटनेस, जो भी है साइड में करो। तो हमें जाना है इसके मेन फीचर्स पर, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। अब ये जो मेरी वॉच का है ये मेरा मेन डिस्प्ले है, यहाँ से मैं करता हूँ साइड। तो यहाँ पर जब मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा अपने रिस्ट बैंड पर, बांध लूँगा रिस्ट पर, और अपने स्मार्टफोन से मैं कनेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर ये मुझे बताएगा कितने स्टेप मैं चल चुका हूँ डेली में। और उसके बाद आता है स्लिप टाइमिंग, टोटल कितना सोया हूँ मैं, BPM, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, सरफेस एंड बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल, वॉच इज नॉट पेड, क्योंकि अभी ये किसी भी डिवाइस स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं है अभी। जैसे कि मुझे ये देखना है, मैं इस फीचर्स पर गया और मैं से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये मुझे पूरी डिटेल दिखा देगा मेरी, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, कितने स्टेप चलाऊँ, कितने किलोमीटर चलाऊँ, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ ये मुझे बताएगा। तो दोबारा से ऊपर ट्रैक करके आते हैं बाहर। मैं इसे लेफ्ट साइड से लाउंगा स्वाइप करके, तो स्टेप, स्लिप, मेजर, ट्रेनिंग, टेम्परेचर, वेदर, मैसेजेस जो भी मेरे फ़ोन पर आएंगे, शटर, प्लेयर, ब्रीथ, स्टॉप वॉच, अलार्म, अदर्स में जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा डायल स्विच, क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को मुझे स्कैन करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन से। मैंने इसे कनेक्ट कर लिया अपने स्मार्टफोन से, मैंने जब अपने स्मार्टफोन से इसे स्कैन कर लिया, और ये मुझे ऑटोमेटिक लेकर जाएगा इसकी एप्लीकेशन के अंदर। जो भी एप्लीकेशन है इसकी वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का नाम है DFit, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसे इसकी पेयरिंग करके देख लेता हूँ एक बार पेयर कैसे होगी पूरी स्मार्ट वॉच। तो ऐप मेरी डाउनलोड हो चुकी है, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद ये मेरी डिटेल कुछ पूछेगी, जेंडर, बर्थडे, सब कुछ ये मुझसे पूछेगी। तो सिंपली मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ जो ऑटो फिल्ड आया है, यहाँ से मैं अलाउ कर लेता हूँ, कमांड दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऐड स्मार्ट वॉच टू गेट मोर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। तो वन मोमेंट हमें सब चेक कर लेते हैं। ऐड डिवाइस की एक कोड दे रहा है BSW006।
तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मैं इसे ऐड करने की कोशिश करूँगा कि मेरा ये स्मार्ट वॉच जो है पेयर हो जाए मेरे फ़ोन के साथ। तो देखिए अभी कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसे जो मेरी बैटरी हेल्थ है ये बता रही है 27% मेरी बैटरी जो चार्ज होगी। तो मैंने इसे अपने हाथ में कनेक्ट कर लिया, रिस्ट में मैंने इसे बांध लिया और इसको मैंने पूरी सेटिंग कर लिया अपने ऐप के अंदर। ऐप के अंदर क्या क्या सेटिंग करनी है, आपको सबसे पहले इसे कनेक्ट करना है डी एफ फिट ऐप में। ऐप में कनेक्ट करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप जाओगे तो वॉच फेसेस, मतलब आप अपने वॉच का कौन सा आप लुक रखना चाहते हैं डिस्प्ले का। आप मैं अगर इसे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ चेंज, और अपने स्मार्टफोन से भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैंने इसे सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक, इसे सिलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर वॉच मोर फेसेस मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ ऑटोमेटिक, और मैं इन्हें अपने डिस्प्ले पर लगा सकता हूँ अपने स्मार्ट वॉच की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, सारी आपको सेटिंग अलाउ कर देनी है यहाँ से, फ़ोन मैसेज व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर स्काइप इंस्टाग्राम जो भी आपको चाहिए, वो आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको सारी आपके स्मार्ट वॉच पर आपको मिल जाएंगी, आपको फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी इतनी। तो आते हैं अगले फीचर्स पर, अलार्म। आप अपने वॉच में यहाँ से अलार्म भी सेट कर सकते हैं, या आप यहाँ से करना चाहते हो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं अलार्म। और नीचे है शटर ऑप्शन, यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, एक वॉच का भी कैमरा ओपन हो चुका है। और यहाँ से आप जैसे शटर बटन पर क्लिक करेंगे तो दोनों साइड से फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। ये फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाएगा वॉच के अंदर। देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है, आपको पता नहीं लगेगी, और ये फ़ोटो क्लिक कर रहा है, देखिए फ़ोन में दिख रहा है फ़ोटो कैप्चर हो गया। अब आते हैं इसके अगले फीचर्स पर, अदर पर आप जाएंगे तो अदर पर आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे, टाइम का फॉर्मेट आप क्या करना चाहते हैं वॉच के अंदर, और आप यूनिट सिस्टम क्या करना चाहते हैं, मैट्रिक एम्पीरियल डू नॉट डिस्टर्ब आप लगाना चाहते हैं, ऑल डे वो भी आप लगा सकते हैं टाइम सेट करने के बाद। उसके बाद आप इसमें रिमाइंडर टू मूव भी लगा सकते हैं, मतलब आप कितने टाइम के बाद किस जगह से आपको मूव होना है, और आप चाहते हैं आपकी कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन हो वो आप भी आप कर सकते हैं, हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद 20-30 ये ऑटोमेटिक लेगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ हार्ट रेट, मैं अपने फ़ोन से भी कर सकता हूँ वॉच से भी कर सकता हूँ, आपको सिंपली पता है। यहाँ पर मैं जैसे कि जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट होना हो गया, मेरा हार्ट रेट जो है वो मेरी BPM काउंट करने इतने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यूस टेम्परेचर डिटेक्शन पर भी मैं फीचर्स ऐड कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारे इसके अंदर अल्टरनेट फीचर्स हैं जो होने चाहिए एक स्मार्ट वॉच के अंदर। तो ये मेरा हार्ट रेट देखिए ले रहा है 95 PPM, और मतलब लेता रहेगा ऑटोमेटिक, ये 7 बार काउंट करता है। उसके बाद मैं पानी पीने का भी रिमाइंडर ये मुझे दिलवाएगा, और यहाँ पर आते इसके मेन उस पर हार्ट रेट देखिए 94 ये मेरा ले रहा है, तो देखिए 94 BPM यहाँ पर लिया और यहाँ पर भी 94 BPM ये ले रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं बैक करूँगा, यहाँ पे मैं स्लिप मोड स्टेप मोड या टेम्परेचर चेक करना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा मेजर करना क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये अपने आप पैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने ये फेस, और यहाँ पर ये स्टार्ट लेना शुरू कर देगा अपना काउंटडाउन। देखिए इतने लिया है मेरा टेम्परेचर, अभी 98.2 लिया है, और जो सरफेस टेम्परेचर है 95.1 इसने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बता देगा लर्न अबाउट टेम्परेचर के बारे में, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर कितने कितने के बीच में होना चाहिए। तो अब करते हैं बैक, और अब आते हैं ब्लड ऑक्सीजन, ये भी मैं आप चेक कर लेते हैं, मेजर करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक वॉच ओपन हो जाएगी, और यहाँ से इसका जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर ही अपना आप लेना स्टार्ट कर देगा ऑटो ब्लड में, मतलब कि कितनी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 97% मुझे दिखा रहा है, और उसके बारे में आपको समझना है तो ये ऐप के अंदर फीचर्स है, आप पढ़ सकते हैं आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक, बैक आएंगे, आउटडोर रनिंग सब कुछ ही आपको बताएगा, और आते हैं इस ऐप के ऊपर। ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो मैं आपको वॉच को खोल कर दिखा देता हूँ, क्या क्या फीचर्स इसमें और इन बिल्ट हैं इस वाले कॉर्नर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्लैश लाइट, आपको बता दिया काउंटडाउन ने आपकी स्टार्ट कर देगा। अब हम एक बार अपने फ़ोन में इससे म्यूजिक बजाकर भी देख लेते हैं, हाँ स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो जो भी मेरा लास्ट सॉन्ग था ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, बैक आते हैं, शटर आपको बता दिया फोटो क्लिक कर लेगा, मैसेज के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे, जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे मैसेज के कुछ भी होंगे वो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएंगे। आपके पास जो भी मैसेज के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद बैक करते हैं, वेदर आपको वेदर की रिपोर्ट देगा 83 जो भी मतलब इसका है वेदर का, जो संडे मंडे ट्यूजडे पे एक बार इसकी सेटिंग कर लेना, अपने टाइम और डेट सेट कर लेना और लोकेशन,
टेम्परेचर रनिंग के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें, साइकिलिंग है, स्किपिंग है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लिम्बिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, मतलब कि बहुत सारे इंडोर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे। 3-2-1 करके स्टार्ट कर देगा और चाहते हैं हम। और क्या है, मेजर HRE हमने कर लिया, स्लिप मोड, स्टेप मोड, मतलब कि कम्प्लीटली एक स्मार्ट वॉच के अंदर जो जो चीज़ होनी चाहिए सारी की सारी आपको फायर बोल्ट के मरकरी सीरीज में मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर, जो डिब्बे पर प्राइस आप देख सकते हैं कितना प्राइस है यहाँ पर इसके 7,999। तो मुझे ये अगर जनरली बताऊँ तो मुझे ये वॉच पड़ी है 3,500 की वॉच पड़ी है। आप अगर चाहें तो ले सकते हैं अपने पर्पज़ के, अपने नीड के हिसाब से। अगर आप कोई भी स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहे हैं, ये था पूरा रिव्यू। अगर आप इसका बैक पैनल देखना चाहते हो, बैक पैनल भी काफ़ी अच्छा लुक है। तो इस स्मार्ट वॉच का पूरा टोटल रिव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।